तो कैसे हैं आप सब? आप सबों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपने सही थंबनेल देखा, आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वाईफाई सीसीटीवी कैमरा का। जी हाँ, ये कैमरा में कोई भी वायर की ज़रूरत नहीं होगी, ये हमारे घर को चोर से लुटेरों से सुरक्षित रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले ये बॉक्स में पैकिंग आया हुआ है हमारा सीसीटीवी कैमरा। इंतज़ार अब ख़त्म हुई, तो चलिए देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। देखिए, ओपन किए, चलिए इसे निकालते हैं बाहर, ये रखें, और ये है, और ये डब्बा और स्लिप है। चलिए इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये क्या आया हुआ है, थैंक यू फॉर चूजिंग अपना कैम। तो ये अपना कैम कंपनी का क्या है, हमारा वेब कैम है, ठीक है। और ये हमारा एक गिफ्ट, ए स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, मुझे एक स्पेशल गिफ्ट मिला हुआ है। गिव अस फीडबैक एंड अर्न रिवार्ड ₹50 एट पेटीएम। मतलब अगर हम इसे स्कैन कर कर या व्हाट्सएप पे अगर हम फीडबैक देते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, यूज़र को लेना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए, अगर उसके बारे में हम फीडबैक देते हैं तो हमें ₹50 पेटीएम पे मिलेगा। तो आप लोग भी कर सकते हैं और ₹50 ले सकते हैं, तो इसे भी साइड रखते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोग भी इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इसको। देखिए कुछ ऐसा बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर आया हुआ है, देखिए ये सारे चीज़ को बाहर निकाल के रखते हैं, क्या क्या आया हुआ है। बस इतना ही चीज़ है, अब नहीं है कुछ डब्बा में, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले आप लोग भी जानते हैं ये मैनुअल है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो फिर भी इसकी मदद से आप लोग सेटअप कर सकते हैं। तो इसको साइड रखते हैं। ये एक चार्जर आया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए, ये एक चार्जर है हमारा, इसका भी यूज़ होगा, इसको रखिए। ये रहा हमारा कैमरा, गजब का है लुक, देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन है इसका लुक। यहाँ पे चार्जर लगने वाला है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लुक है। मुझे ऐसा है कि इसका जो क्वालिटी होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए इसका भी हो ही जाएगा कुछ देर में। तो प्लीज़ अंत तक बने रहें वीडियो में ताकि पूरी जानकारी मिल सके। और एक खास ये है कि जैसे कि आप मोबाइल से इधर से बोलेंगे तो यहाँ से क्या देगा, उसे सुनाई भी देगा, साथ में अगर वहाँ से कोई बोलता है तो वो भी आपको इस कैमरा के जरिए सुनाई देगा। मतलब टू ऑडियो वॉइस है, मतलब बोथ साइड से, इधर से भी बोलिए जाएगा, उधर से भी आवाज़ आएगा। ये रहे क्लिप, जैसे कि आप लोग ये हुआ तो यहाँ पर अगर ठोकना चाहते हैं तो इसको ऐसे लगा के ठोक सकते हैं। और एक साथ में ये कुछ, हाँ ये आया हुआ है इसको लगाने के लिए, ठीक है। ये हमारा नंबर है 6447213131। तो ये हुआ हमारा कुछ। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ये मैनुअल है, ये क्लिप है, तो चलिए इसका आप टेस्टिंग करते हैं कि इसका क्या है क्वालिटी। तो प्यारे साथियों, ये एक्सटेंशन बोर्ड की क्या होगी, सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा। और ये जो है ना चार्जर जो है, ये एडेप्टर जो है काम नहीं कर रहा है, ख़राब आया हुआ है। तो देख लीजिए ख़राब आया, इसीलिए हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। दूसरा मैंने इसको लगाया, ठीक है। और इसके लिए आपके लिए एक मोबाइल की ज़रूरत होगी जिसमें वाईफाई से ज़रिए इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसमें सप्लाई देते हैं, देखिए गजब गजब क्वालिटी का है ये यार, मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया, गजब दोस्तों। देखिए क्या क्वालिटी, कितना गर्दा है, ये देखिए आप लोग, फिर से एक बार दिखाते हैं। गजब। और एक चीज़ और, अगर वहाँ पे कोई भी कैमरा के सामने आता है तो ये रेड लाइट जलना शुरू हो जाता है, देखिए देखिएगा। ये हमारा जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस मोबाइल से क्या करेंगे, वाईफाई कनेक्ट करेंगे। चलिए वाईफाई कनेक्शन हो चुका है,
कुछ देर टाइम लगेगा, रुक जाइए थोड़ा सा। वाइफ ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे और V380 प्रो को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको क्या करूँगा, ओपन करूँगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, डिवाइस को ऐड करना है, और इससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो कि मैंने कर दिया है पहले ही। ठीक है, और वो आपके सामने इंटरफेस आएगा, उसमें लॉगिन आएगा, नंबर डालिएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस होम का खुल के आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है ऐड डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक किए तो ऐसा कुछ आया जिसमें कि आप लोग या तो ये पीछे का स्कैन कर सकते हैं या जो नंबर दिया गया है पीछे में उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख के ऐड डिवाइस आईडी में जो आया हुआ है, तो मैं तो अभी फ़िलहाल स्कैन ही करूँगा, तो देखते हैं स्कैन करके। स्कैनिंग हो रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। गाइस यही सब थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है इसमें। हाँ हो गया, स्कैनिंग सक्सेसफुली हो गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वायरिंग डिवाइस स्टेटस, तो पूरी मैं फुल जानकारी दूंगा कैसे सेटअप करना है, कहीं भी आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना। तो जिस मोबाइल के ज़रिए मैंने वाईफाई कनेक्शन दिया हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट द वाईफाई यूज्ड बाय द डिवाइस। कहाँ से वाईफाई दिए हैं, या तो मोबाइल से दिया हुआ है या तो बैंड से दिए हुए हैं, तो यहाँ पर उसका नाम है, यहाँ पर पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म करना है। तो कह रहा है कि लगभग जो जिससे हम वाईफाई कनेक्शन दिए हुए हैं और ये जो हमारा वाईफाई कैमरा है, इसकी जो दूरी जो होनी चाहिए वो 30 cm के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, एन अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये मैं जानता हूँ, चलिए ठीक है। प्लीज़ पुट द QR कोड एट द कैमरा लेंस। ठीक है, आफ्टर स्कैनिंग द कोड सक्सेसफुली वेट फॉर द डिवाइस टू प्रॉम्प्ट वाईफाई कनेक्टेड। ठीक है, ये चीज़ हो गया, स्कैनिंग का आवाज़ नहीं है। द डिवाइस डज नॉट रिकॉग्नाइज द QR कोड, प्लीज़ चेक वेदर द कैमरा लेंस इज ब्लॉक्ड और टीयर और द लेंस। चलिए यहाँ पे क्या करें, फिर से ट्राइंग करेंगे। कैमरा के सामने रख दिए हैं। तो दोस्तों ये कैमरा तो बहुत ही देखने में बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सेटअप में, तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कोशिश करेंगे कि पूरी अच्छी तरह से जानकारी दें आप लोगों को। कुछ हो नहीं रहा है ये अभी फ़िलहाल, तो देखिए। तो मैंने चलिए यहाँ पे क्लिक देते हैं, नो वॉइस प्रॉम्प्ट ऑफ स्कैनिंग सक्सेसफुली आया हुआ है। यूज AP हॉटस्पॉट कनेक्शन, चलिए शुरू करते हैं। AP हॉटस्पॉट कनेक्शन में भी दोस्तों नहीं आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।